वेलकम टू सीखो सीए आईपीसीसी। आज हम बात करते हैं कि कंपनी ऑडिट की क्लासेस का हुआ क्या, ये गई क्या, कहाँ। तो आज मैं बात करता हूँ, पहली बात बच्चों के क्वेश्चन आए, सर आप कहाँ गए थे। एक्चुअली मैं कहीं ऑडिट पे बिजी था तो थोड़ा सा अटेंड नहीं कर पाया। बच्चों ने पूछा सर क्लासेस का क्या हुआ, क्लासेस आगे लगेंगी कि नहीं लगेंगी, क्योंकि 6 क्लासेस मैंने डाली थी, अपॉइंटमेंट तक मैंने सारी क्लासेस कवर करी थी। अब क्वेश्चन है कि आगे का क्या होगा। अभी मैं एक सरप्राइज के साथ आया हूँ, मैं बताता हूँ आगे क्या होगा। पहली बात, मैं आगे क्लासेस नहीं उतार रहा हूँ क्योंकि मेरा बैच नहीं बन पाया। बैच इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये आ रही थी कि क्योंकि बच्चों को चाहिए कि उतारनी है तो पूरी ऑडिट की क्लास उतारो, क्योंकि कंपनी ऑडिट आधी अधूरी आपसे पढ़ के क्या फायदा, क्योंकि हम बाहर से किसी टीचर से पढ़ेंगे फिर आपसे पढ़ेंगे तो वो क्लैश हो जाएंगी। बात बिल्कुल सही थी उनकी कि डबल डबल टाइम क्यों दें। तो अब क्लासेस, जहां तक आपको ये देखा होगा अपॉइंटमेंट तक मैंने क्लासेस उतार दी हैं। अपॉइंटमेंट तक आप पढ़ें, उसको समझे कि स्टडी मैट से पढ़ना कैसे है, आगे कैसे पढ़ना है वो मैं बताता हूं। मैंने अब मेरी प्लेलिस्ट पे जाएं, ऑडिट पे जाएं, उसमें देखें मैंने सारे सेक्शंस कंपनी ऑडिट 1 के कवर किए हुए हैं। आप बस स्टडी में पहले मेरी वीडियो को देख लें, पहले टॉपिक देखें कौन सा है, फिर देखें मेरी वीडियो देखें उससे रिलेटेड, उसके बाद उस टॉपिक को स्टडी मैट से करें, आपका वो क्लियर हो जाएगा। जो टॉपिक स्टडी मैट में है और मेरे टॉपिक में नहीं है, इसका मतलब वो पेपर के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये एक टॉपिक निकाला है, पेज नंबर, ये मैनर ऑफ रोटेशन के बाद में है, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये बहुत पहले चलता था, अब नहीं चलता, तो इसकी कोई वो जरूरत नहीं है। इसके बाद काफी टॉपिक हैं जो लास्ट में कंपनी ऑडिट के 1 के अंदर हैं, मैं आपको बताता हूँ, ये ऑडिट रिपोर्ट है, ये है कॉस्ट अकाउंटेंट से रिलेटेड है, एक बार आप देख लें। ये टॉपिक्स वो टॉपिक हैं जो पहले मतलब अलग एसेज में कवर है, तो ये कवर नहीं करने, मतलब जो मेरी वीडियो में कवरेज नहीं है वो आप ना भी कवर करें तो चलेगा, एक बार रीड कर लें उसको, रीड करने में कोई बुराई नहीं है, अलग से एसे में तो कवर है ही, और बहुत ज्यादा डिटेल टॉपिक है वो पेपर में इतने आते नहीं है, और एक बार रीड करने जरूर करके जाए, ये मैं अपनी तरफ से कहूंगा। अब बात आती है कंपनी ऑडिट 2 कैसे पढ़ना है, तो देखो मैं आपको बताता हूं कैसे पढ़ना है। ये रही मेरे नोट्स कंपनी ऑडिट 2 के, ये नोट्स मैंने अपने खुद स्टडी मैट से बनाए हैं। पहले स्टडी मैट को एक बार पढ़ें, फिर उसके बाद अपने नोट्स को तैयार करें। सिंपल कंपनी, जैसे मैंने ये बनाया सेक्शन, शुरू से बनाया सेक्शन 128(1) से, फिर ऐसे, फिर मतलब ऐसे नोट्स बनाता गया मैं, तो आप भी अपने नोट्स बना सकते हैं, बस समझें उस टॉपिक को, पहले पढ़ें और फिर इस नोट्स को बनाएं। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या मैं ये नोट्स पूरे के पूरे बच्चों को अवेलेबल करवाऊंगा? आंसर है नो। अपने नोट्स खुद बनाएं, देखो आसान है बनाना, मैंने भी खुद बनाए हैं, तो अगर आपको लगता है कि हाँ हमें जरूरत है इन नोट्स की, तो आप मुझे बस एक बार व्हाट्सएप पे पिंग कर दें कि हाँ मुझे ये वाले नोट्स का ये वाला टॉपिक चाहिए, तो वो स्पेशल टॉपिक की मैं वीडियो नेट पे बना दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ, तो आप वहां से आप देख सकते हैं। अगर आपको कहीं नोट्स में प्रॉब्लम आ रही हो तो मैं आपको फोटोज सेंड कर दूंगा जो जिस टॉपिक की आपको चाहिए होगी, क्योंकि कंपनी ऑडिट 2 सच में बड़ा है और वो रीडिंग मटेरियल है, समझने का मटेरियल है। अब फॉर एग्जांपल न्यू सिलेबस में क्या हुआ है, न्यू सिलेबस में कंपनी लॉ, मैं कंपनी लॉ पेपर नंबर 2 की बात कर रहा हूं, वो 60 मार्क्स की कर दी है। रीजन इज बीइंग क्योंकि उसमें ये वाला कंपनी ऑडिट 2 भी डाल दिया है, इसे हम अकाउंट्स बोलते हैं ऑडिट की भाषा में। ऑडिट में हम वाउचिंग वेरिफिकेशन करते हैं, ऑडिट में हम सारे एसेस के अकॉर्डिंग ऑडिटिंग करते हैं, ऐसे ही हमें अकाउंट्स कैसे चेक करने हैं, हमें स्टैचुरी रिक्वायरमेंट्स कैसे देखनी है, मिनट्स को कैसे चेक करना है, रिपोर्ट्स को कैसे चेक करना है, वो कैसे करना है, वो सब बोर्ड की रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, वो कैसे करना है, वो यहां पर सब कुछ कवर होता है। तो ये चीजें आप खुद एक बार रीड करें, समझें, फिर उसके नोट्स बनाएं, आपको बेटर समझ आएगा। इसके बाद जो आज का सरप्राइज है कि मैं किस सरप्राइज के साथ आ रहा हूं, देखो दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया कि आप जैसे मेरे साथ व्हाट्सएप पे इंटरेक्ट करते हैं, तो हम लोग ने क्या शुरू किया है, देखो कोई भी रिवीजन वीडियो आपको आप बोलते हैं और मुझे लगता है कि हाँ इसकी मार्केट में बच्चों को नीड है और सच में बहुत हार्ड टॉपिक है, तो मैं उसकी वीडियो बना देता हूँ। कोई इजी टॉपिक होता है मैं तब भी उसकी वीडियो बना देता हूँ, लगता है कि हाँ ये टीचर्स नहीं बताते और ये बच्चों का जानना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पीयर रिव्यू बनाया था, एक बच्चे का डाउट था पीयर रिव्यू होता क्या है, टीचर ने पढ़ा तो दिया पीयर रिव्यू होता क्या है, मैंने समझा दिया पीयर रिव्यू क्या होता है, और इतना डिटेल में समझाया क्योंकि मेरी हम आर्टिकलशिप में ये चीज देख चुके हैं। तो ये चीजें होती है। अब मैं सरप्राइज के साथ आता हूं, मैंने सरप्राइज क्या सोचा है, मैं क्लासेस पहली बात अभी नहीं उतार रहा, क्लासेस में नवंबर से आऊंगा, प्रॉपर क्लासेस के साथ आऊंगा, ना कोई कंपनी और लॉ ना कोई कंपनी ऑडिट, पूरी की पूरी कवर करेंगे, तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट कवर करेंगे 1 महीने से 2 महीने के अंदर अंदर, और उसकी फीस मिनिमम 200-300 रुपीज रखेंगे, जो कि बहुत मिनिमल है, और मैंने इसलिए किया है देशवासियों की हेल्प करना चाहता हूं।
अभी जो मैंने प्लान सोचा है, मैंने नहीं, मेरे एक फ्रेंड ने प्लान सोचा है जो कि इस सीको सी आईपीसीसी का ही स्टूडेंट है, कि 15-20 डेज की हम रिविजन्स रखेंगे पूरे पूरे सब्जेक्ट्स की, एक रिविजन वीडियोस बनाएंगे, डेली बेसिस पे रिविजन करेंगे एग्जाम्स के लिए। वो एग्जाम से पहले वो वीडियोस मैं लॉन्च करूंगा 15-20 डेज में, कैसे जल्दी जल्दी रिविजन करें एग्जाम्स में। तो आप अपना 100% पढ़ते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी रिविजन वीडियोस में मेरे को बताते रहिए आपको कौन सा टॉपिक समझना है, मैं आपकी टॉपिक वाइज हेल्प करूंगा, आप मुझे टॉपिक बताते रहिए। लेकिन एग्जाम के टाइम पे हम अच्छे से रिवीजन जरूर करेंगे। पहली बार हम आज तक टॉपिक्स की रिवीजन करते थे, पहली बार हम पूरे सब्जेक्ट की रिवीजन करेंगे। बहुत शॉर्ट रिवीजन्स होंगी ये, एक एक घंटे में मैं पूरा पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, लेकिन इतनी अच्छी तरह डिटेल में रिवीजन करवाऊंगा कि बच्चे को वहां पर रट जाएगा। लेकिन उस रटने के लिए मैं आपसे पहले एक प्रॉमिस चाहता हूं कि प्लीज स्टडी मैट एंड प्रैक्टिस मैनुअल अपनी अच्छी तरह सॉल्व कर लीजिए, जिससे कि आपको पूरा टॉपिक एक बार पहले से आना चाहिए। और अगर आपको वो टॉपिक नहीं भी आता होगा तो मेरी रिवीजन वीडियोस देख के आपको समझ आ जाएगा, जिससे कि आप दोबारा पढ़ने में आपको इजी मिलेगा। लेकिन प्लीज गाइस, पहले ऐसे मत कीजिए कि मेरे दो दो तीन तीन चैप्टर रह गए, मैं पक्का सर से समझ लूंगा। प्लीज मेरे ऊपर मत छोड़िए, पहले पढ़ लीजिए। अगर आपको कोई टॉपिक्स बीच में नहीं समझ आए हो तो प्लीज मुझे बताइए, अदरवाइज उन रिविजन वीडियोज में कवर कीजिए, मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। इसी तरह प्लीज मेरे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों को बताएं चैनल के बारे में, क्योंकि हो सकता है आपका दोस्त वो टॉपिक मेरे से पूछ ले और मैं वो वीडियो बना दूं जो आपके भी काम आए। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। वैसे लाइक करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो जो आपके काम आती है उनको लाइक कीजिए। ओके बाय फ्रेंड्स, चलो मिलते हैं जल्दी।